पावन भागवती कथा श्रवण करने से व्यक्ति को जो शोक मोह भय है इससे छुटकारा मिल जाता है। शोक मोह भय तीन है ना, इन तीनों के बीच में क्या है? मोह। मोह के कारण ही शोक होता है और भय होता है। मोह का अर्थ है जो जैसी वस्तु है वैसा उसको हम न समझें, इसी का नाम मोह है। गुलाब के फूल को गेंदा समझो, ये आपका मोह है, व्यामोह है। शरीर अनित्य है इसको हम नित्य समझने लगे, यही मोह है। जो भगवान का अंश जीव चेतन है उसको हम न जान पावें, उसको भी जड़ समझने लगें, यही मोह है। और जब ये मोह भागवत कथा श्रवण करने से दूर होता है तो शोक भी दूर होता है, भय भी दूर होता है। भय तभी होता है ना, हमारी मृत्यु हो जाएगी, ये कष्ट आ जाएगा, फलाना ढिकाना। सबसे ज्यादा व्यक्ति को भय मृत्यु से होता है। और जब ये मोह व्यक्ति का दूर हो जाएगा भागवत कथा श्रवण करने से कि शरीर तो अनित्य है, इसको तो मरना ही है, मैं जो आत्मा हूं ये नित्य हूं, मैं कभी मरने वाला नहीं हूं, मुझे कोई नहीं मार सकता, तभी तो प्रहलाद जी निर्भय होकर के प्रभु का नाम जपते हैं। तो ये मोह सकल व्याधिन कर मूला, तुलसीदास जी कहते हैं सकल व्याधियों का, कष्ट का, दुख का मूल कारण कौन है? मोह। और ये मोह माने जो हमें अयथार्थ ज्ञान है, विपरीत ज्ञान है, वो दूर हो जाता है भागवत कथा श्रवण करने से, तो हमारे जीवन से भय भी दूर होता है और शोक भी समाप्त होता है।